मुंबई सेंट्रल बस डिपो के सामने सिटी सेंटर मॉल जो हमेशा विवादों में गिरा रहा, तभी अपने FSI को लेकर इसी जगह पर रहने वाले लोगों ने धरना मोर्चा किया। आइए सुनते हैं इनकी जुबानी। हमेशा से बात होती, शाहिद बलवास बोलता है फ्यूचर ग्रुप से बात करो, फ्यूचर ग्रुप वाले बोलते कि शाहिद बलवास से बात करो। तो आपको कोर्ट में आप गए क्या? कोर्ट में नहीं गए, हमारे वकील भी आए हुए अंदर गए वकीलों देखने, और हमारे को हम लोग बहुत परेशान है। हम लोगों को भाड़े भी नहीं दे रहा है ना हमारी जगह बना के दे रहा है हम लोगों को प्लान के हिसाब से। उसका प्रॉमिस था कि तुम्हारा जब भी रिटर्न करूंगा गाला मैं अपने बना के दूंगा खर्चे पे, लेकिन बना के नहीं दे रहा है वो। असल मुद्दा ये है, उमर जमाल कंपाउंड था, नीलकमल वाले ने रीडेवलप किया, रीडेवलप करने के बाद में इसमें हमको मॉल में जगह दिया और रेंट पे लोगों को कर दिया। अब आज के टाइम पे ये जगह हमको दे नहीं रहा है, और जिसके थ्रू हमने जो जिसको फ्यूचर ग्रुप सुनील बियानी को हमने रेंट पे दिया, वो हमारा 15 महीने से भाड़ा नहीं दे रहा है। वो बाकायदा एग्रीमेंट है, लीज एग्रीमेंट है, बाकायदा रजिस्टर है, हर चीज है। सरकार सब इनके जेब में है, सरकार कोई बात नहीं सुनती है। हमने बाकायदा DCP कमिश्नर हर एक को लेटर दिया है। ये इनका कहना है कि अगर आप कोर्ट में जाओ सिविल में जाओ 25 साल लगेगा। इनके हाथ में रहता, इनके हाथ में हर चीज, इनके हाथ में कोई सुनने को राजी नहीं है। देखा आपने, ये सरकार पे सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, BJP की सरकार है जो स्वच्छ और अच्छी सरकार देने का वादा करके जनता के बीच में आई थी। हम जानना चाहेंगे और किसी भी लोगों के साथ उमर जमाल कंपाउंड था पहले, और उसके बाद में 3 महीने का बोल के 26 महीना लगाए बनाने के लिए। वो तीनों खाली अपना फ्यूचर देख रहे हैं, हम लोग को इतने लोग का फ्यूचर देखना है। सारी दुकानों का है जो रोजी रोटी लगी हुई है उसके अंदर, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे। आज कई दिनों से यही बोल रहे, अभी देंगे, जब भी देंगे तभी देंगे। उनके तीनों का हमारी जितनी जगह है, वो लोग के पास पैसा भरा हुआ है, हम लोग के पास पैसा नहीं है, तो हम नहीं दे सकते उनको। नहीं दिया, अभी भी नहीं दिया, थर्ड पार्टी चढ़ा दिया उसके ऊपर, मगर उसके बावजूद रूम नहीं दे रहा है। और 1.25 महीना 1.5 महीना हो गया उसके बाद, वो चीज से भी वो आदमी फ्यूचर ग्रुप वाला सुनील बियानी पलट गया है। हमको थर्ड फ्लोर अपना नीलकमल बनाने वाला था, आज 24 महीना हो गया जगह नहीं बना है। आपने बोला चौकी में बात हुई थी, हाँ, आपने एडिशनल DCP सबको लेटर दिया, हमने कमिश्नर को दिए, DCP को दिए, कोई कुछ नहीं हमको बुलाए। बल्कि हमारे जो नागपाड़ा सीनियर साहब है कदम साहब, वो हमको काफी कोऑपरेट किए और बाकायदा उन लोगों को बुला के सामने काम कराए, लेकिन उसके बाद भी 1.25 महीने बाद आज हम एकदम बेइतिहास परेशान हो गए। जिसका 100-200 स्क्वायर फीट का गाला है, यही मॉल के अंदर नौकरी कर रहा है, हमाली उठा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं अपील करता हूँ मेहरबानी करके, ये 1000 फैमिली का मसला है, आप जितने हो सकते हैं भाई इसको सपोर्ट करिए और सबका हक दीजिए। 1 रुपया लोगों को ज्यादा नहीं चाहिए, जो हक है वो दीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.3starnews.in। हर एक हिंदुस्तानी की आवाज 3 Star News, खास खबरें आम लोगों के लिए।